असलम स्टूडेंट्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ दंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस टॉपिक वी वुड भी डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्टेक्टिंग ड्रग्स बिफोर कटिंग इन टू द वीडियो इट इज़ हाइली रिकमेंडेड कि एक बार लिपन कोड का फिगर नंबर थ्री पॉइंट थ्री में जो ब्लू में पैरासमटेटिक्स गिवन है उनको एक बार लाजमी मेमोराइज कर लिया जाए

जो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं ना इनके ऊपर ऐसे नोट लोकेटेड होते हैं और ऐसे नोट पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं डीज आर एम टू रिसेप्टर्स तो जब इस कोलिन आके बाइंड करते हैं तो ट्रिगरिंग इन वेरियस इंट्रासेलर पाथवेज एंड डीज पाथवे रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिपोलराइजेशन ऑफ एसेनोट डिक्रीज इन द फायरिंग रेट ऑफ एसेनोट एंड डिक्रीज इन द फायरिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एसिनोट एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन हार्ट रेट एज वेल एज डिक्रीज इन स्ट्रॉप वॉल्यूम अभी स्टाइल कोलिन का एक और फंक्शन है कि इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर तो उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं अभी ना मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है ऑब्वियसली इट अक्स पाए वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और वेजोडाइलेशन किस लिए होती है बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स प्रजेंट इन द ब्लड वसल्स अब इन स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन का क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं कि स्मूथ मसल्स जो हैं प्रजेंट इन आर ब्लड वेसल कंसिस्ट ऑफ एम थ्री रिसेप्टर्स जब इस्टल को लीना के बाइंड करेगा एम थ्री रिसेप्टर्स इट वुड कोज रिजल्ट इन ट्रिगरिंग वेरीज इंट्रासेलुलर पाथवे and these pathway would result in the conversion of arginine to nitric oxide. Nitric oxide as we all know is a potent vasodilator. or further jo hai nitric oxide it causes the activation of guanylate cyclase enzyme. और गुवनाइलेट साइक्लाइज इंजाइम का क्या एक्शन है कि it causes conversion of cGMP cycle GMP to cycle G cycle GTP to cycle GMP. Now, cyclic GMP hai, it is involved in the activation of cyclic GMP dependent protein kinase. And this sort of protein kinase causes the relaxation of smooth muscles as well as it causes the vasodilation and hence decrease in blood pressure. Now, nitric oxide is a role it is CGMP cho and it is readily hydrolyzed by an enzyme phosphodiesterase. And this phosphodiesterase enzyme is inhibited by our nitric oxide. सो वी कैन से इस तरह से सारे प्रोसेस स्टाइलकोलिन जो है इट रिजल्ट इन वेजोडाइलेशन एज वेल एज डिक्रीज इन ब्लड प्रेसर नवर एज यू ऑल नाओ कि पैरासिमथेटिक स्टमुलेशन जहाँ भी आएगी इट कोज इज स्टिमुलेन ऑफ सेक्रीशन सो इन द सेम वे स्टाइलकोलिन ऑल्सो कोज इन इंक्रीज इन द सेलिवरी सेक्रीशन इंक्रीज इन इंटेस्टाइनल सेक्रीशन एज वेल एज इंक्रीज इन ब्रॉन्क्योलर सेक्रीशन अब जब आयरस की स्पिंस्टर मसल्स आयरस स्पिंस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इट कॉज इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल रिजल्ट्स इन म्योसिस एंड म्योसिस इज द इफेक्ट ऑफ आर एस्टाइल कोलिन इस्टाइल कोलिन का एक और इफेक्ट है कि जो हमारी सीलरी हैं ऑफ आए इनका क्या फंक्शन होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग ऑफ आर विजन फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट टू अज अयर पॉइंट

इसके लिए हमारे पास थ्री पर्पजेज हैं एक इसके लिए रीजन ये है कि स्टाइलकोलिन जो इट इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन कि ये बॉडी की किसी भी ऑर्गन किसी भी विसरा पे इफ़ेक्ट हो कर देता है ये किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं करता इसकी वजह से स्टाइलकोलिन का डिफ्यूज़ एक्शन है और दूसरी तीसरी वजह ये है कि स्टाइलकोलिन जो इट इज़ रेडिली हाइड्रोलाइज बाई एन्जाइम एसटाइलकोलिन ईस्ट रेज सो फॉर दिस परपज इस्टोलिन हैज़ डिक्रीज हाफ लाइफ तो इन रीजन्स की वजह से इट इज़ रेअरली यूज फॉर थेरापूटिक परपज लेकिन फिर भी इस्टाइलकोलिन का जो वन परसेंट सोल्यूशन है जब वैन इट इज़ इंस्टॉल्ड इन टू एंटीरियर चैम्बर हमें पता है कि एंटीरियर चैम्बर में हमारे पास आयरस मौजूद होते हैं सो इट वुड एंटर टू एंटीरियर चैम्पर एंटीरियर चैम्पर में हम इस्टलकोलिन का वन परसेंट सोल्यूशन जब इंस्टॉल करेंगे इट वुड कोर्स contraction of iris muscle iris sphincter muscle as a result it causes constriction of pupil and result in meiosis and its process is highly helpful in the case of ophthalmic surgery now moving towards our next drug that is Bethnicol. Bethnicol ka role hote, it affects urinary system as well as grt system the bathnicol ke jo bhi affects होंगे जो भी हम लिस्ट आउट करेंगे अभी दे वुड इंक्लूड्स द पैरासमेटिक इफेक्ट्स ऑन जी एल टी एंड यूरेनरी सिस्टम तो क्या होता है जी एल टी पे कि टोन एंड मोटेलिटी ऑफ जी एल टी इंक्रीज कर जाएगी वन इन द केस ऑफ यूरेनरी सिस्टम इट कॉजेज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ट्रूसर मसल्स एंड रिलैक्सेस द ट्रायकोन एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज प्रेशर ऑफ यूरेनरी ब्लीडर अब स्पिंस्टर्स क्या होते हैं लिए जाता है स्पेसिफिक मसल्स लोकेटेड अराउंड द ओपनिंग और अगर ये इस मसल्स को इंट्रैक्ट करें कि इट वुड रिजल्ट इन द को ऑफ ओपनिंग और अगर ये मसल्स रिलैक्स करें कि इट वुड रिजल्ट इन द रैक्सेशन बल्कि ओपनिंग ऑफ द डैट अपर्च ठीक है तो बैथनीकोल क्या करता है कि ये जो हमारे यूरिनरी स्पिंस्टर्स होते हैं यूरे ब्लेडर के स्पिंस्टर्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करवा देते हैं ताकि यूरिन युरें, यूरिनेशन जो है वोडिंग प्रेशर ऑफ़ यूरिनरी ब्लेडर इंक्रीज हो जाए और इन्हीं परपज के लिए जो बैथनीकोल है इट इज़ यूज इन द केस ऑफ एटोनिक यूरिन एटोनिक ब्लेडर न्यूरोलॉजिक एटोनिक एंड नॉन ऑब्सट्रकटिव यूरिनरी रिटेंशन इन डिजीजेज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है अब ये तीनों डिजीजेज जो हैं ना ये ऑलमोस्ट एक ही तरह की हैं और इन डिजीज में क्या होता है कि सेंसरिन और स्प्लाई बिटवीन द ब्रेन एंड द यूरे ब्लेडर इज़ इंटरप्टिड अब अगर सेंसर स्प्लाई बिटवीन द ब्रेन एंड यूरेनरी ब्लेडर इंटरप्ट होगा विच मीन्स कि यूरिनेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है बल्कि सॉरी मिक्चुरेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है सो उस पर्पज के लिए फिर बैथिनिकोल दी जाती है ताकि इट कैन इंक्रीज द वॉल्डिंग प्रेशर ऑफ द यूरिनी ब्लेडर हैंड्स इट कु रिजल्ट इन द यूरिनेशन अगली जो डिजीज है जिसके लिए बैथनिकोल दी जाती है दैट इज मैगा कोलोन रिजल्टिंग फ्रॉम द एबनॉर्मल डाइलेशन ऑफ द कोलॉन एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलॉन क्यों होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द टन ऑफ कोलोन एबसेंस ऑफ पेरिस्टेल्सिस एंड डिक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ कोलोन और यही सारे फंक्शंस तो हैं बैथनीकोल के कि ये इन टर्न क्या करेगा रिजल्ट इन द पेस्टेल्सिस ऑफ कोलोन इंक्रीज इन द टन ऑफ कोरोन इंक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ कोलोन एनहेंस ट्रीटमेंट ऑफ द मेगाकोलोन और बैथनीकोल के जितने भी एडवर्ड्स इफेक्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं दी आर नथिंग बट द एग्जैजन ऑफ आर पैरासिमटेटिक इफेक्ट्स स्वेटिंग होगी सेल्यूवेशन होगी जैसे पैरासिमटेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि वेज्यूडाइलिशन होती है डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर होता है और वेजोडाइलिशन की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन होता है विच रिजल्ट इन द रेडनेस ऑफ चीक एंड कंडीशन नोन एज फ्लशिंग एंड एज वी नो के जो भी पैरासिमटेटिक स्टिमुलेशन होती है या इफेक्ट्स ऑफ बैथनीकोल होते हैं इट कोज इंक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ जी एल टी तो क्या मोटिलिटी ऑफ जी आल्टी इंक्रीज होगी इट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन बाउल मूवमेंट रिजल्टिंग इन डायरिया रिजल्टिंग इन नोजिया एंड वी हैड ऑल्सो स्टडीड के पैसिथेटिक इफेक्ट की वजह से क्या है हमारे ब्रोंक ब्रोंकस की जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है ब्रोंकिरस एक्क्रीशन इंक्रीज होती है विच वुड रिजल्ट इन द ब्रोंक्यूलरस पार्ट द लास्ट वन इज एबडोमिनल पेन नाउट द नेक्स्ट ड्रग इज कार्बाकोल और जो इसका इफेक्ट है इट हैज़ इट्स इफेक्ट्स ऑन जी आर टी सी वी एस एंड आई आई पे तो तमाम तर इसके वही पैरासिमथेटिकफेक्ट्स होंगे जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं फ्यू डिफरेंसेस. लेकिन जी आर टी और सी वी एस पे इसका थोड़ा सा इफेक्ट मुख्तलिफ होता है बिकॉज इट प्रोजेस बहुत मस्क्यूरनिक एंड निकोटिनिक एक्टिविटी मतलब इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू एक्टिवेट निकोटीनिक और मौजूद होते हैं डीज आर प्रेजेंट एज वेल एज ऑन आर पैरा सिम्थेटिक गैंगलियो एज वेल एज ऑन आर सिम्पटैटिक गैंगलियोन तो दोनों तरह के निकोटीनिक रिसेप्ट को यह एक्टिवेट कर रहे हैं सो इट वुड फर्स्ट रिजल्ट इन इंक्रीज या स्टिमुलेशन ऑफ सी वी एस एंड जी आई जी आर टी सिस्टम एंड दैन डिक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ सी वी एस एंड जी आर टी सिस्टम अब जो अगला इसका इफेक्ट है कि रिलीज ऑफ एपी फ्रॉम फ्राम एड्रीनल मेडोला इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है क्योंकि लिपन के फिगर नंबर थ्री पॉइंट थ्री में हमने पढ़ा था कि रिलीज ऑफ एपी या नॉर एपी फ्रॉम फ्राम एड्रीनल मेडोला एक्चुअली द फंक्शन ऑफ सिंपटेटिक इफेक्ट तो ये कार्बाकोल में कैसे गिवन है वैल well, ये तो अब तक हम जान ही चुके हैं कि निकोटिनिक जो हैं मतलब कार्बाकोल जो है इट कैन ऑल्सो एक्स ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स मेडुला। तो अगर एक्टिवेट करेगा प्रेजेंट ऑन एड्रीनल इट वुड कॉस रिलीज ऑफ द एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला इन टू द ब्लड स्ट्रीमस्ट कार्बाकोलस्ट्रक्शनिस एज वेल एज इट रिजल्ट इन स्पाज अकोमोडेशन अब तक हमने ये तो पढ़ा कि सीलरी मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से अकोमोडेशन होती है एंड व्हाट इज अकोमोडेशन शिफ्टिंग ऑफ आर विजन फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट वॉज अ नियर पॉइंट विच मींस कि अकोमोडेशन के बाद जो है हमारी सीलरी मसल्स जो होते हैं दे रिमेनिंग कंट्रेक्टेड स्टेट और जो हमारा विजन जो है ना वो एक ही जगह पर फिर फिक्स हो जाता है फिर हम उस एक स्पेसिफिक पॉइंट से अपने विजन को अपनी आइस को मूव नहीं कर सकते हटा नहीं सकते क्योंकि हमारी जो है सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से आई जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फिक्स हो गई है एंड सिलरी मसल्स हैव नॉट रिलैक्स रिलैक्सड इवन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन द केस ऑफ यूज ऑफ कार्बाकोल ना मूविंग टूवर्ड इट्स थेराप्यूटिक यूज इसका जो मेजर यूज़ है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमन अब कार्बाकोल जो है उसके कुछ पर्पजेज़ की वजह से इसका जो थेरा थ्राप्यूटिक यूज़ है वो भी रेयर है वो पर्पजेज़ क्या हैं कि उसमें एक तो इसकी हाई पोटेंसी होती है मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट्स दूसरा ये कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन सो इस वजह से ये ज़्यादा थेराप्यूटिक यूज नहीं है इसका लेकिन फिर भी समटाइम्स इट कैन बी यूज ट्रीट द ग्लाउकोमा अब ग्लाउकॉमा को ट्रीट करने के लिए ये किस तरह से यूज़ होता है इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक्स दो वीडियोस के लिंक्स दूंगी विच आर फ्रॉम एन अदर चैनल आप प्लीज़ उनको जाकर चेकआउट करें क्योंकि टू तो अंडरस्टैंड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंट्राक्यूलर फ्लूड जो है उसकी ड्रेनेज हमारी आई से कैसे होती है और वो एक्चुअली डिवेलप किस तरह से हो रहा होता है अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि कार्बाकोल जो है इट वॉज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल विच रिजल्ट इन म्योसिस विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर मीन्स द इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन ड्रेनेज ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर फ्राम द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर आई सो इट रिजल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाउकोमा अब ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बाकोल जो है इट इज़ अ क्वार्टनरी अमाइन मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पोलर ड्रग है अगर पोल ड्रग के इट कैन नॉट एंटर दिस्टेमिक सर्कुलेशन ओके ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो सकती तो इसका एस कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होता ना मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट ड्रक ऑफ आर टॉपिक डेट इज पिलोकार पाइन इसके सारे यूजेस वाली हैं कि इट कोज इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल इट कोज म्यूसिस इट कोज इज ऑफ सीलरी मसल एंड जस्ट लाइक कार्बाकोल इट कोज इज पार्माकोमोडेशन लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन डिफरेंट है डेट इज इट एक्स एज यानी इट एक्स एज अ स्टूलेटर ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम द सेलिवरिक्लैंड एंड स्वर्ड ग्लैंड और इसका इफेक्ट क्या होता है इसका इफेक्ट होता है आई पे सेलिवरी ग्लैंड पे और स्पेशियस ग्लैंड पे एंड बिकॉज इट एक्स एज अ सेक्रेटर गो फॉर सेलिवरिक ग्लैंड एंड स्पेशियस ग्लैंड सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिक्रीन सिंड्रोम एंड जीरोस्टोमिया दोनों की दोनों डिजीज ऐसी हैं कि इट इज़ अकॉम

इट एक्स एज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट यानी कि अगर कोई क्लाउकोमा का इमरजेंसी के साथ है तो उसके लिए हमेशा पिलोकारपाइन दी जाएगी एंड पिलोकारपाइन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ नैरो एंगल एंड वाल्ट एंगर एंगल ग्लाउकोमा दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है ग्लाउकोमा केस में कि कार्बाकोल की नस्पत इसका जो इफे इसका जो मकैनिज़म है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा वो डिफरेंट एंड पिलोकार्पाइन कोजिस द ओपनिंग ऑफ द ट्रेबिकुलर मिशवर्क अराउंड द एंड कैनाल विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर या इंक्रीज इन द ड्रेनिंग ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द एन कंपार्टमेंट ऑफ आई एंड हेंस ट्रीटमेंट ऑफ लॉकोम अब हमें ये तो पता है कि पिलोकार्पाइन जो है इट इज़ अ टर्शिया माइन अगर टर्शियम आइन है मतलब कि इस पर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है इट मीन्स कि इट कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड प्रिंट बैरियर क्योंकि ये है तो नॉन पोलर तो ये इजिली लिपिड बा को क्रॉस कर सकती है सो इट कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड प्रिंट बैरियर एंड एंडर सी एन एस और सी एन एस में जाकर सी एन एस डिस्टर्बेंसेज कर सकती है एज वेल एज इट कैन कॉस एग्जेजरेशन ऑफ इट्स पैरासिम्फेटिक इफेक्ट्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक हॉप यू अंडरस्टूड वेल Thanks for watching.